तमिलनाडु की विधानसभा में स्टालिन सरकार और गवर्नर आर एन रवि के बीच टकराव का नया रूप देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि राज्य विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल आर एन रवि ने विधानसभा में 2 मिनट से भी कम समय में अपना अभिभाषण समाप्त कर दिया। राज्यपाल ने 1 मिनट 16 सेकंड में ही अपना स्पीच खत्म किया। आर एन रवि ने कहा कि वो सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण से असहमत हैं और इसे आगे नहीं पढ़ सकते। गवर्नर रवि के मुताबिक राष्ट्रगान को सम्मान देने की उनकी रिक्वेस्ट को बार बार नजरअंदाज किया गया। गवर्नर ने मुख्यमंत्री और स्पीकर को लेटर लिखकर के अनुरोध किया था कि संबोधन की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाए। उन्होंने विधानसभा सत्र की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि अभिभाषण में कई ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिससे वो तथ्यात्मक और नैतिक तौर पर सहमत नहीं है। ऐसे में यदि वो उन्हें अपनी आवाज देंगे तो ये संविधान का उपहास उड़ाना होगा। गवर्नर आर एन रवि का पूरा स्टेटमेंट पहले आपको सुनवाते हैं, फिर डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, माय रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू शो ड्यू रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड प्ले इट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एड्रेस हैज बीन इग्नोर्ड। This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I am lending my voice to them would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address wish this house a productive and healthy discussion for the good of the people. Valga Tamil Nadu, Valga Bharatam, Jai Hind, Jai Bharat, Nandri. राज्यपाल ने तो महज 1 मिनट 16 सेकंड में अपना अभिभाषण खत्म किया और उसके तत्काल बाद विधानसभा अध्यक्ष एम अबाडू ने तमिल में भाषण को पूरा पढ़ा। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी राज्यपाल ने 1 साल तक सत्र की शुरुआत में सदन में अपना पारंपरिक संबोधन नहीं पढ़ा है। हर साल जब विधानसभा बुलाई जाती है तो राज्यपाल की ओर से अभिभाषण देने की परंपरा रही है। इसमें राज्य सरकार की नीतियां, कार्य योजनाएं और उपलब्धियां शामिल होती हैं। लेकिन केरल के बाद तमिलनाडु में इसके उलट ही परंपरा हुई। इसी को लेकर के अब बीजेपी और डीएमके आमने सामने है। बीजेपी के नेता ने राज्यपाल की मांग को सही ठहराया तो वहीं डीएमके नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो पहले तमिलनाडु कहां है इसका पता लगाएं। The governor has very clearly said, not the first time, yes sir, repeated several times that the national anthem should be sung, should be played before the start and the end of the session. So what is your problem in doing that? And if there are any issues, mistakes or wrong statistics are mentioned, the governor has got the right to omit or deny those facts. He doesn't know where Tamil Nadu is. First, he must find out where Tamil Nadu is. Because for the past more than 20-25 years, the Tamil anthem was the first thing which was sung in the assembly before the governor's address, and then and finally the national anthem will be sung. That is the practice for more than 20-25 years. पिछले साल 9 जनवरी 2023 को भी गवर्नर के भाषण के दौरान ऐसे ही कुछ देखने को मिला। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने जो आधिकारिक भाषण तैयार किया था उसके कुछ हिस्सों को छोड़ दिया। उन्होंने उन हिस्सों का जिक्र नहीं किया जिसमें पेरियार, वीआर अंबेडकर के, कामराज, सीएन अन्नादुरई के, करुणानिधि जैसे नेताओं के नाम थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने केवल आधिकारिक भाषण रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और इसके बाद जवाब दिया। वहीं राज्यपाल सदन से बाहर उस वक्त निकल गए। अब हाल ही में केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान ने भी 25 जनवरी को विधानसभा में अपना पारंपरिक भाषण कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। उन्होंने सरकार के बनाए गए भाषण का केवल आखिरी जो पैराग्राफ है वो ही पढ़ा। तमिलनाडु की विधानसभा में जो हुआ उसके बाद से राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के कई चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है।
राज्यपाल विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या फिर एक साथ दोनों ही सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। दूसरा, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या फिर सदनों को भेज सकेंगे और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वो सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार जल्दी से विचार करेंगे। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और हर साल के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और विधानमंडल को उसके आवाहन के कारण बताएंगे। आजकल एक नया ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है जहां पर केंद्र के द्वारा भेजे गए राज्यपाल और वहां की राज्य सरकार के बीच एक अच्छा समन्वय नहीं है और कभी कभी जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है तो विपक्ष या सत्ता पक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक जो सुलभ रास्ता निकाला गया है राज्यपाल के द्वारा कि अभिभाषण का सम्मान करते हुए प्रथम लाइनें और अंतिम लाइनें पढ़ करके अपनी बात खत्म कर दी जाती है, तो ऐसे में कहीं संवैधानिक संकट तो मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन जहां तक बात है इस तरह की स्थिति में घाटा जो है या ये कहें कि जो सरकार का उद्देश्य होता है जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने का, कहीं न कहीं वो जो है फलित नहीं होता है। और ऐसे में जो है एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाई गई व्यवस्था जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण या राज्यपाल का अभिभाषण जनता के बीच नहीं पहुंच पाता है और जनता जो है उन बातों को नहीं जान पाती है जो सरकार अपने आने वाले सत्र में कार्यकलाप में दिखाना चाहती है या करना चाहती है या जो भी उसका एक नजरिया होता है कि हम शासन को किस तरह से दिखाएंगे। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच पहले भी कई मसलों पर खींचतान हो चुकी है। आईपीएस अधिकारी रह चुके गवर्नर आरएन रवि ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला। स्टालिन सरकार ने 2022 में आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से की गई कैबिनेट सिफारिशों और 10 से ज्यादा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की। इसके बाद राज्य सरकार ने आरएन रवि के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। नवंबर 2023 में राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल रवि द्वारा की गई देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, और चूंकि सियासी गलियारे जो है ये वो इस वक्त पूरी तरीके से गर्म है।